वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। टुडे वी ऑल लर्न न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास 7th एंड सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, न्यू चैप्टर क्लास 2nd चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इसके पहले हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़े, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ना आपको, हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे आज, जो कि 2nd चैप्टर है आपके सब्जेक्ट का। तो देखिए, उसमें हम जो प्लांट्स के बारे में पढ़े थे, तो प्लांट्स कैसे ईट करते हैं, मतलब कि किस तरह से भोजन को क्या करते हैं, टेक करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने वाले जीव जो होते थे, प्लांट जो होते थे, वो क्या करते थे, अपने भोजन को एब्जॉर्ब करते थे, मतलब अवशोषित करते थे। क्या करते थे, अवशोषित। कहां से, कुछ तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से करते थे, कुछ क्या करते थे, पैरासाइट होते थे, कुछ क्या होते थे, ऑटोट्रॉप्स होते थे, कुछ क्या होते थे, पैरासाइट। ठीक है, कुछ क्या होते थे, ऑटोट्रॉप्स। लेकिन यहां जो कंडीशन है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, यहाँ पे सब क्या है, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। खुद से भोजन बना सकते हो, हाँ बना तो सकते हैं, पका सकते हैं ना, लेकिन पैदा नहीं कर सकते हो खुद से कि नहीं मेरे अंदर पैदा होगा, मुझे सनलाइट मिलेगी, मुझे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, फिर अपने अंदर भोजन तैयार करना है, ये सारी फैसिलिटी नहीं है। हम किस पे डिपेंड है, प्लांट पे। किस पे डिपेंड है, प्लांट पे, पौधों पे। ठीक है, पौधों पे किस तरह से डिपेंड है, हाँ पार्शियली डिपेंड है ना, एक तरह से समझिए कि डायरेक्ट, इनडायरेक्टली नहीं। तो क्या करते हैं, प्लांट का जो प्रोडक्ट होता है, प्लांट प्रोडक्ट क्या करते हैं, हम स्टोरेज करते हैं और उसी को क्या करते हैं, टाइम टू टाइम कुक करके टेक करते हैं ना, भोजन बना के खाते हैं, लेकिन उत्पादन नहीं कर सकते, प्रोड्यूस अपने अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, उत्पादित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना आपको। पहला तो है कि न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, टेकिंग फूड, मतलब भोजन लेते हैं और उससे हमारे शरीर का क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब पोषक जो है, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं हमारे शरीर का, न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, मतलब पोषक जो होते हैं, पोषक तत्व हमारे शरीर का क्या करते हैं, पोषण, क्या करते हैं, पोषण करते हैं। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रिशन करते हैं। तो यही है पौधों में, सॉरी एनिमल्स में, मतलब जीवों में, जानवरों में क्या हो ना, पोषक, पोषण, यहां बात करें तो पोषण, तो पोषक तत्व तो मिलेगा तभी तो पोषण होगा। पोषक तत्व तो मिलेगा कहां से हमें, फूड, और फूड कहां से मिलेगा, प्लांट। ठीक है, प्लांट को कहां से मिलेगा, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे भी प्लांट का हम टेक करते हैं जो डेड एंड डिकेइंग, कहां से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, एक क्लोरोफिलस होते हैं, एक क्लोरोफिलस मीन्स ए सी एच एल ओ आर ओ पी एच वाई डबल एल यू, एक क्लोरोफिलस मीन्स एब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल का एब्सेंट होना, अनुपस्थित होना। तो ऐसे क्या है, हम पढ़े थे एग्रीकस के बारे में ना, एग्रीकस क्या होते हैं, आपका कवक होता है। ठीक है, जो कि मार्केट में मिलता है आपको। ठीक है, मशरूम की सब्जी खाते, वहां से भी हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, तो बात हो गई, हाँ मशरूम से क्या मिला हमें, मिनरल्स मिला, प्रोटीन मिला, एक तरह से समझिए न्यूट्रिएंट्स मिला हमें, क्या मिला, न्यूट्रिएंट्स। इसे हम क्या किए, इनटेक किए, मतलब कि खा लिए। ठीक है, टेक कर लिए न्यूट्रिशन को, फिर हमारे शरीर का क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, क्या होगा, या फिर इसी केस में अगर हम फूड की बात करें, फूड से हमें क्या मिला, न्यूट्रिशन मिला, उसे हम क्या किए, मतलब भोजन को किए, भोजन करने के बाद न्यूट्रिशन मिला, न्यूट्रिशन से हमारे शरीर का क्या हुआ, न्यूट्रिएंट से न्यूट्रिशन हुआ, मतलब पोषक तत्वों से हमारे शरीर का पोषण हुआ, वही क्या है, एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है,
आइए देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब कि भोजन करने के विभिन्न क्या होते हैं, तरीके कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो सभी जानवर जो हैं, सभी जीव जो हैं, वो एक तरह से भोजन टेक नहीं करते, सबका अलग अलग भोजन का टेक करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए, हम उसको पढ़ने से पहले देख लेते हैं, यहाँ पे आपका लिखा गया है एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मीन्स एनिमल न्यूट्रिशन, जानवरों का जो पोषण होगा, जीवों का जो पोषण होगा, इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स, उसमें क्या होते हैं, पोषक होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, रिक्वायरमेंट जिनकी उन्हें जरूरत होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड और प्रोसेस होती भोजन करने की, उनकी किस तरह से भोजन करते हैं, एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी मतलब हमारा शरीर उसका क्या करता है, उपयोग करता है, उसको अपने उपयोग में लेता है और हमारे शरीर को ग्रो करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, और कहीं पर चोट लगती तो उसको क्या करता है, सही करता है, हील करता है अगर बाउंड हो गया तो। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं डिफरेंट वेज ऑफ, थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का है, देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ इनटेक टेकिंग फूड, मतलब कि विभिन्न तरह के भोजन करने के तरीके। कुछ जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुंह से अपना खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी मुंह से खाते हैं। ठीक, कुछ हैं डायरेक्टली क्या करते हैं, माउथ से लेते हैं। ठीक है, माउथ से लेके फिर आपका फूड पाइप में जाता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है भोजन, स्टोमेस में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनस में जाता है ना, स्मॉल के बाद लार्ज में भी जाता है। ठीक, तो माउथ मुंह से हम क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, और जो दांत होते हैं मुंह में उससे हम क्या करते हैं, उसको चबाते हैं। ठीक, और कुछ जीव ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली पहले भोजन को भर लेते हैं। ठीक है, और बाद में वो क्या करते हैं, चुगाली करते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। ठीक, ऐसे जीव जो अपना भोजन, जैसे अगर बात करें हम गाय भैंस की बकरी की, ये लोग क्या करते हैं, खड़े होके भी मुंह डुलाते रहते हैं ना, तो क्या करते हैं, मतलब एक बार जल्दी जल्दी सब खा लेंगे। ठीक है, या फिर गाय अगर घास चर रही तो घास जल्दी जल्दी चर लेगी, उसके बाद जब खाली बैठी रहेगी तो क्या करेगी, वो जुगाली करती रहती है ना, तो क्या करती, मतलब भोजन को फिर से वापस मुंह में ले आती है, मुंह के पिछले हिस्से में ले आती है, उसको कट करके पीस के फिर से अंदर ले जाती, तब उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, तो रूमेंट्स होते हैं या रूमिनेंट्स होते हैं, ऐसे जानवरों को रूमिनेंट्स एनिमल कहते हैं, जो जुगाली करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या, हम लोग डायरेक्टली मुंह में लेते हैं और उसको चबा के ले जाते हैं अंदर, वहीं पर हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है, जो लार होती है हमारी ना, लार ये क्या करती है, सलाइवा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सलाइवा, यहीं से, मतलब कि मुंह में, कभी ध्यान दिए हो आप कि अगर ऐसे कभी सूखी रोटी खा लिए तो क्या होता है, मीठा लगने लगता है ना, किसकी वजह से, सलाइवा वजह से, सलाइवा हमारे मुंह में होता है, और सलाइवा क्या करता है, और सलाइवा का जो काम होता है, ये हमारे भोजन को चिकना बनाता है, जिससे कि हमारी जो फूड पाइप है, आहार नली है, भोजन मुंह के बाद जब हम कुछ उसको अंदर ले जाते हैं तो उसमें लार एकदम से लग जाता है और फिर वो फिसलते हुए चला जाता है, क्योंकि चिकना हो जाता है, कहीं फंसने का चांस नहीं होता उसे। ठीक, सीधे कहाँ जाता है आपका, स्टोमेस में जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करें कुछ ऐसे जानवरों की, जैसे अगर पाइथॉन्स के बारे में बात करते हैं, तो क्या करता है, भोजन को ले लेगा और धीरे धीरे उसको खाएगा, दो तीन दिन चार दिन तक उसको जरूरत नहीं भोजन करने, मतलब वो क्या करता है, रिजर्व कर लेता अपने भोजन को, धीरे धीरे गलता रहता है नहीं, और फिर उसी से उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो इसमें यही पढ़ना आपको, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब विभिन्न प्रकार के, विभिन्न तरह के जो भोजन करने के तरीके, उसके बारे में पढ़ना है, कौन जानवर किस तरह से अपना भोजन करता है। ठीक, नेक्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमन, ये तो सब जानते हैं, आप सब तो जानते होंगे किस तरह से डाइजेशन होता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे आपको हम फिगर से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से पढ़ना है। तो इसमें अभी आज के लिए कुछ चर्चा कर लेते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस मतलब मानव में पाचन कैसे होता है। तो बकल कैविटी क्या होता है, मुख गुहा क्या होता है, जिसमें आप भोजन करते हो
और भोजन को कोसते हो दांत के द्वारा, इसमें दांत की भी चर्चा होती है। दांत कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ इन योर माउथ, तो 4 टाइप्स ऑफ, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, 4 तरह के होते हैं, कृंतक, रत्नक, चौड़क और अग्रचौड़क। इसके बारे में भी कल हम या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड है, हाँ, बकल कैविटी में ही आपका क्या पाया जाता है, सलाइवा पाया जाता है, जो क्या करता है भोजन को पचाने में, मतलब इसी वजह से भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। सेकेंड है आपका फूड पाइप ओसोफेगस, ये क्या करता है, या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं कहीं कहीं, एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल, ठीक है। ये क्या करता है, ये मतलब कि जब भोजन कोस लेते हैं तो फूड पाइप से लेके चला जाता है, कभी कभी ध्यान दीजिए ज्यादा खा लेते हैं तो एयर वाली पाइप में चला जाता है और खूब जोर की छींक मारते हो, नाक से चावल बाहर निकल जाता है ना। तो कब हमेशा आराम से खाना चाहिए, हड़बड़ा के नहीं खाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, या नाक में सॉरी एयर पाइप में अगर फंस गया तो सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, और आपकी सांस फूलने लगेगी। तो इसीलिए हमेशा बहुत अच्छे से बहुत आराम से खाना चबा के खाना चाहिए, इत्मीनान से, ये नहीं कि हड़बड़ा का है जल्दी से खा के भाग के ना। नेक्स्ट है आपका स्टोमेज, फूड पाइप से कहाँ गया स्टोमेज में, यहाँ पे जूस होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस, जो भोजन में मिलते हैं, भोजन में मिलके जो भोजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका क्या करते हैं, तो एसिड होता है ना, एसिडिक कर देते हैं भोजन को, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, डेड हो जाए, क्या हो जाए, डेड हो जाए मतलब मर जाए, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, डाइजेस्टिव जूस का, किसका काम हो, डाइजेस्टिव जूस का, ठीक है, या फिर HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, उसी को कहते हैं डाइजेस्टिव जूस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका काम जान लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको उनका खात्मा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टोमेस के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी ऐसे होती है, इस तरह से ऐसे ऐसे बनी होती है ना, ठीक। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाते, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भोजन का पाचन होता रहता है, और भोजन में से जो न्यूट्रिशन निकलते हैं, ध्यान दीजिए, न्यूट्रिएंट्स जो निकलते हैं वो क्या होते हैं, उनको जो उसमें स्टोमेज में कलिकाएं लगी होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह से ऐसे होती हैं, ऐसे इस तरह से, ये क्या होती है, अवशोषित करती है, क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, किसको, न्यूट्रिएंट्स को, किसको, न्यूट्रिएंट्स को, कहां से, फूड से, जो आपको आपने भोजन किया हो वहां से फूड को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती, ठीक है, और कहाँ भेज देती है, ब्लड में भेज देती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या आपका आता है, एनस, गुहा, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, या फिर उसका जो एक तरह से समझिए कि अपशिष्ट पदार्थ बचता है, वो क्या किया जाता है, एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अभी इसमें आपको बायो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, और भी कई चीजें उसके बारे में कल में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में अभी हम बता चुके हैं, ठीक है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स की अगर बात की जाए तो क्या होते हैं, ये रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स मीन्स ऐसे जीव जो एक बार अपना भोजन जल्दी से अपने अंदर ले जाते हैं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, हाँ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं कह रहे हैं, एनिमल्स के लिए हम बता रहे हैं कि ऐसे जीव जो अपने भोजन को डायरेक्टली जल्दी से ले जाके भर लेते हैं पेट में, और उसके बाद खाली समय में वो जब बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो जुगाली करते रहते हैं। आपने देखा भी, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा भी होगा कि गाय क्या करती है, भैंस क्या करती है, चबाती रहती है ऐसे फालतू में, कुछ खा नहीं रही फिर भी मुंह डुलाया जा रही है ऐसे ऐसे करके ना, तो क्या करती है, जुगाली करती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल कहते हैं, ठीक है, मतलब जुगाली करने वाले जानवर, मतलब अपने भोजन को दोबारा मुंह में ले आके फिर उसको क्या करते हैं, चबाते रहते हैं। तो ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।